फरीद ख़ान जो तारीख़ में शेरशाह सूरी के नाम से मशहूर हुआ, 1486 ईस्वी को हिंदुस्तान के ज़िला रोहतास के एक कस्बे सहसराम में पैदा हुआ। शेरशाह सूरी के बावजदाद बहलूल लोदी के दौरे हुकूमत में अफ़गानिस्तान से हिजरत करके यहाँ आबाद हुए थे। उनके वालद हसन ख़ान सहसराम में एक छोटी सी जगीर के मालिक थे। वालद की वफ़ात के बाद शेरशाह सूरी ने कुछ अरसा अपनी जागीर का इंतज़ाम इंसराम संभाले रखा, मगर बाद में मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के दरबार से मुंसलिक होकर अपनी खुदादाद सलाहियतों की वजह से जनूबी बिहार का गवर्नर मुकर्रर हुआ। शेरशाह सूरी ने बहुत जल्दी बिहार और बंगाल पर कब्ज़ा करके मुग़ल हुक्मरान हुमायूँ के ख़िलाफ़ इलाने जंग कर दिया। उसने 1539 ईस्वी में पहले चौंसा और फिर कन्नौज की जंगों में हुमायूँ को शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया। तख्त नशीन होने के बाद पेशावर की तरफ पेशकदमी करते हुए जब उसकी फ़ौज जेहलम के करीब पहुंची तो उसे गखड़ राजा सुल्तान सारंग खान की फ़ौज का सामना करना पड़ा। उससे मुकाबले के लिए शेरशाह सूरी ने अपने जरनैल खास खान मरवत की कमान में एक बड़ा लश्कर भेजा। उधर सुल्तान सारंग खान भी मुकाबले के लिए तैयार था। रवात के मुकाम पर दोनों फ़ौजों के दरमियान खूनरेज जंग हुई, जिसमें बिलाखर सुल्तान सारंग खान को शिकस्त हुई और वह अपने 16 बेटों समेत मैदान जंग में मारा गया, जिनकी कब्रें आज भी किला रवात में मौजूद हैं। कखड़ कबाइल को शिकस्त देने के बाद शेरशाह सूरी ने इस इलाके में एक मज़बूत किला बनाने का हुक्म दिया, जो आज रोहतास किला के नाम से मशहूर है। किला रोहतास दरअसल दफाई नुक्ते नज़र से बनाया जाने वाला एक मज़बूत किला है, इसलिए यहाँ किसी पुरतज़ुश रहायशगाह का अहतमाम नहीं किया गया। यह किला 400 एकड़ पर मुहित है, जबकि इसका कुतर 4 किलोमीटर तक बयान किया जाता है। यह किला तकरीबन 5 साल में मुकम्मल हुआ। किला को एक तवील दीवार के ज़रिए दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। रोहतास किले की मज़बूत फसील और दरवाज़े इसकी दफाई हिकमत अमली का मुंह बोलता सबूत है। इस किले के कुल 14 दरवाजे हैं, जिनकी तफसील नाज़रीन के लिए यकीनन दिलचस्पी का बायस होगी। ख़ास खानी दरवाज़ा। ये दरवाज़ा ख़ास खान मरवत के नाम से मंसूब है, जिसके बारे रवायत है कि वो शेरशाह सूरी का वफादार सिपहसालार और मुंह बोला बेटा था। कश्मीरी दरवाज़ा। चूँकि इस दरवाज़े का रुख कश्मीर की तरफ है, इसलिए इसे कश्मीरी दरवाज़ा कहा जाता है। कश्मीर से आने वाले काफ़िले इसी दरवाज़े के रास्ते किले में दाखिल होते थे। तलाक़ी दरवाज़ा। कहा जाता है कि यह दरवाज़ा सूरी ख़ानदान के किसी शहज़ादे की तलाक़ से मंसूब है, इसलिए इसे मनहूस दरवाज़ा समझकर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। लंगर खानी दरवाज़ा। शाही बरची खाने और तामगाह करीब होने की वजह से इसे लंगर खानी दरवाज़ा कहा जाता है। शीशी दरवाज़ा। चमकती हुई नीली ईंटों से मज़ीन इस दरवाज़े को इसकी खूबसूरती की वजह से शीशी दरवाज़ा कहा जाता है। काबली दरवाज़ा। चूँकि इस दरवाज़े का रुख काबल की जानिब है, इसलिए इसे काबली दरवाज़ा कहा जाता है। शाही दरवाज़ा। यह दरवाज़ा शाही ख़ानदान के अफराद के लिए मुख्तस होगा। गड्ढे वाला दरवाज़ा। यह दरवाज़ा फांसी घाट के साथ वाक़या है, इसको फांसी गेट भी कहा जाता है। सुहेल दरवाज़ा। यह दरवाज़ा एक सूफ़ी बुज़ुर्ग सैयद सुहेल शाह बुखारी के नाम से मंसूब है। उनका मज़ार इसी दरवाज़े के पहलू में वाक़या है। सर वाला दरवाज़ा। सर पंजाबी ज़बान में तालाब को कहते हैं। पानी के तालाब करीब होने की वजह से इसे सर वाला दरवाज़ा कहा जाता है। पीपल वाला दरवाज़ा। इसके करीब कोई पीपल का दरख्त होगा, जिसकी वजह से इसे इस नाम से मंसूब किया गया। मोरी दरवाज़ा। दुश्वार गुजार तंग रास्ते की वजह से इसको मोरी दरवाज़ा कहा जाता होगा। गटियाली दरवाज़ा। गटियाल पत्तन के करीब होने की वजह से इसे गटियाली दरवाज़ा कहा जाता है। शाह चांदवली दरवाज़ा। शाह चांदवली एक बुज़ुर्ग थे, जो इस किले की तामीर के दौरान मज़दूरों को बला मुआवजा पानी पिलाते रहे। ये दरवाज़ा उनके नाम से मंसूब है।